क्या आप गरीब हैं? क्या आपके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है? तो यकीन मानिए कि आपके हक का चावल आप नहीं बल्कि कोई और यानी अमीर खा रहे हैं, क्योंकि ये बात हम नहीं प्रदेश की जनता और सामने आ रहे तथ्य इस बात का खुलासा करते हैं। हम आपको कुछ और दिखाएं, इससे पहले आप कुछ झलकियां देखें। ये तस्वीर नगर पालिक निगम चिरमिरी के एक पीडीएस दुकान की है, जहां भूपेश सरकार के सिटिंग विधायक हैं। यही हाल शहर सरकार का भी है। ऐसे में भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरीबों को भर पेट भोजन के लिए चावल देना अमीरों के पेट का निवाला बन गया है। पहले आप इन तस्वीर में उन गरीबों के द्वारा खुद पत्रकार बनकर फुटेज बनाने का वीडियो देखें। ये है वार्ड नंबर 11 की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो 3 दिन से बंद है। ये बोल के लिंक फेल है, लोग परेशान हैं। आइए देखते हैं, चलिए। ये देखिए, एक हफ्ता हो गया बेटा, चावल सोसाइटी नहीं खुल रहा है। कभी नहीं तो फैल रहा है। जब देखो जब माता है नहीं बेटा, लोग बता हम रोजी मंजूरी जाबो के दिन भर आसान। नसीम का लड़का यूसुफ खान, वो कहां का थे बेटा? कलिया से लड़का है एक, और कल्याण, कल्याण है, कल्याण राव। कभी मतलब कई दिन से नहीं खुला? तीन चार दिन हो गया है। तो काम वाला नांगा करके बैठे रही रोज दिन है, तो चला हम पे सब्जी भाजी। खाली एक दिन सर्वे डाउन हुआ, दो दिन सर्वे डाउन हुआ, जब देखो तब सर्वे डाउन रहते हैं। की भाई सर्वे डाउन है, इतना दिन में मैं खोलूंगा, ऐसे तो बोलना चाहिए ना। अब हम लोग सुबह से आके बैठे रहते हैं उसी के इंतजार में। बढ़ती राशन भी नहीं दिया गया है, बढ़ती राशन नहीं मिला हुआ है। और मेरे को लग रहा है ये कोरोना काल से इसका बढ़ती राशन का घपला हो रहा है। जो फ्री और बढ़ती चावल मिला वो अभी तक नहीं दिया गया। लोगों तो अगले महीना भी दिया, इसका मतलब नहीं मिला। देखो इनको नहीं मिला, लोगों को ये झूठ बोल के बनाया जा रहा है। पब्लिक लोग दे ले ओकर बाद गाड़ी में भरवाबे था सीधा बात कुछ भी का पब्लिक के भारत में बिना ना उनको देना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि गरीबों का चावल किस तरह अमीरों के पेट में जा रहा है। दिन के उजाले में गरीबों के चावल की अल्टा पलटी, फिर दुकान से पिकअप में लूट कर भेजा जाना कई सवालों को खड़ा करता है। दरअसल जब सरकार की योजना को सरकार में बैठे लोग ही अपने कमाई का जरिया बना ले, तो प्रदेश की जनता आखिर किससे अपनी फरियाद करे। आपने जो तस्वीर देखी उसमें साफ झलकता है कि प्रदेश की जनता चावल के लिए किस तरह अपना काम धाम छोड़कर पीडीएस की दुकान के चक्कर लगाने को मजबूर है। प्रदेश सरकार आम लोगों के लिए चावल सिर्फ इसलिए मुहैया करा रही है ताकि प्रदेश की जनता कभी भूखे पेट ना सो सके, लेकिन उन्हीं के नुमाइंदे और सरकारी तंत्र के अफसर योजना को सत्ता के डर से पलीता लगाने में भी पीछे नहीं है। दरअसल मामला चिरमिरी के पीडीएस दुकान का है। बीते दोपहर दुकान में बैठा संचालक का पुत्र पहले तो दुकान में आ रहे उपभोक्ताओं को मशीन खराब है कहकर वापस करता गया, दूसरी ओर कुछ मजदूरों से शासकीय चावल की बोरियों को खुलवाकर नई सफेद बोरी में भरवाता रहा। करीब एक घंटे तक चले इस काम में लगभग 30 से 40 क्विंटल चावल सफेद बोरियों में पलटी कर दिया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मजदूर अपने काम में लगे हैं। इसके बाद पलटी किए गए चावल को एक पिकअप में लोड कराया जाता है। इस तरह से शासकीय चावल पिकअप में लोड होने के बाद प्राइवेट हो जाता है, जिसे कभी भी उतारा जा सकता है या भंडारण कराया जा सकता है। इस पूरे मामले में पूर्व महापौर और कांग्रेस के जिला पदाधिकारी के डमरू रेड्डी क्या कहते हैं, जरा आप भी सुने।
चैनल के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बहुत गंभीर मसला है और प्रशासन के नाक के नीचे अगर इस तरह से काम होगा तो ये विशुद्ध रूप से कालाबाजारी का मामला है और ये पूरी तरह से भर्रासाई है। भूपेश बघेल की सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे नाक के नीचे इस तरह से गड़बड़ी की जा रही है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और जनचर्चा बिल्कुल ये बात है कि कालाबाजारी हो रही है, यहाँ तक कि दुकानों में दुकानदार के द्वारा ही, राशन दुकानदार के द्वारा उपभोक्ता को चावल न दे करके 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे भी कई जगह दिए जाने की खबर आ रही है। तो मैं समझता हूँ ये अक्षम्य अपराध है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कलेक्टर MCB से मैं खुद बात करूँगा। नहीं, इस तरह से हो रहा है तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिले के जो खाद्य अधिकारी है, सबसे बड़ा निकम्मापन है, और जो हमारे यहाँ का फूड इंस्पेक्टर है उसकी भी नाकामी है। और ये अगर इस तरह से देखेंगे तो ये जिला प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि तमाम हमारे तंत्र के रहते हुए अगर दुकानदार खुले रूप से इस तरह काम कर रहे हैं तो ये कोई पहली बार नहीं किया होगा, ये प्रैक्टिस में होगा, उसके व्यवहार में होगा। और राशन दुकान और राइस मिलर के बीच में सफेदपोश नेता के मध्यस्थता में जरूर कोई ऐसी साठगांठ होगी कि अधिकारी आंख बंद करके कर रहे हैं काम, लेकिन ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरिया और MCB में डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग एक नए आयाम की ओर हैं, और अगर इस तरह से दिया तले अंधेरा कहीं पर है तो हम निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई को विवश है और इस पर जल्दी ही आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। घटना के संबंध में घटनास्थल पहुंचे मीडिया कर्मियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को चावल हेराफेरी की सूचना दी, जिसके बाद लगभग 24 घंटे के बाद पहुंचे फूड इंस्पेक्टर ने जांच करने का हवाला देकर शासकीय दुकान में पहुंचे और मौके पर उपस्थित संचालक का बयान दर्ज कर कोरम पूरा करने का काम किया और जांच रिपोर्ट SDM के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। हमने पाया कि मौके जांच पे हमने बयान खाद्यान्न विक्रेता का बयान लिया, जिसके द्वारा बताया गया कि शॉप आईडी 1023 का चावल कई बार क्या होता है, रास्ता खराब होने के कारण शॉप आईडी 1015 में भंडारित किया जाता है जो भाईफा दफाई में है, उसी को वो लोग थोड़ा थोड़ा करके 1023 दुकान में ले जा रहे थे, क्योंकि बोरा फटा हुआ था तो उसको चेंज करके वो लोग ले जा रहे थे। क्या यह सवाल नहीं उठता है कि बोरी एक फटा होगा, दो फटा होगा, पूरे 40 कुंटल के आसपास जो माल गया है एक पिकअप में लोड होके, 40 कुंटल में क्या सारे बोरियां फटी हुई थी? ऐसा कोई उनके पास सेफ बोरी नहीं था जो ये दर्शाता हो कि ये PDS का चावल लेके जा रहे हैं? नहीं, हम लोग जाँच करे हैं, प्राइमरी जाँच किए हैं, अब SDM सर को प्रतिवेदन देंगे, फिर आगे कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंग। जहाँ वो लोग बता रहे हैं कि भंडारण के लिए वापस ले जाया जा रहा है, क्या आपने वहाँ जाके चेक किया? नहीं, प्राइमरी जांच हो गया है और जाके फर्दर जांच किया जाएगा, उसके बाद फिर रिपोर्ट सौंपेंगे SDM सर को। मैंने जब ये MCB जिला के विभाजन से पहले मैंने पत्राचार के माध्यम से मतलब खाद्य विभाग में शिकायत किया था कि मतलब इनका मतलब समय निश्चित समय में खुलता नहीं रहा, तो मतलब एक दो दिन खुलता रहा जनता के साथ मतलब शिकायत मिली थी कि भैया समय पर खुलता नहीं, हम जाते हैं लौट आते हैं, हम बार बार बैठे रहते हैं, फ़ोन करने पर बोलते हैं आ रहे हैं आते ही नहीं है मतलब दुकान संचालक, जिससे हमको परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो मैंने इनका शिकायत खाद्य विभाग में किया था। कितने बार किया था? मैंने 2-3 बार का लगभग किया है। क्या हुआ, कोई आश्वासन कुछ आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ था भैया। आपको बता दें कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज किए गए बयान में वार्ड पार्षद से लेकर उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं रही, जबकि मीडिया के समक्ष वही वार्ड पार्षद और उपभोक्ता शिकायत करते पाए गए, यानी कुल मिलाकर जांच दुकान संचालक के अनुरूप किया गया ताकि चावल बेचे जाने या यूं कहें हेराफेरी के मामले से साफ बचाया जा सके। सुनिए SDM राजस्व की जुबानी। कल जो भैंसा दफाई के राशन दुकान में शिकायत की जांच आई थी तो मैंने फूड इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा था, संभवतः तो आज वो गए भी थे और उसमें अभी मेरे को जांच की रिपोर्ट आई नहीं है, जांच रिपोर्ट परीक्षण करने के बाद आपको। जैसा सुनने में आ रहा था कि एक दुकान नहीं, पूरे चिरौरी में जितने दुकान संचालित है सभी जगह इस तरह से किया जा रहा है, बकायदा पिकअप में वो भी दिन दहाड़े मतलब इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है, गरीबों का चावल मारा जा रहा है, जबकि शासन की इतनी बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, शासन चाहती है कि एक भी आदमी भूखे ना मरे, ऐसी स्थिति में इस तरह से चावल का जो विक्रय हो रहा है उस पर किस तरह से प्रशासन आगामी रूप से देखेगी, उसको किस तरह से कार्रवाई करेगी? इस समय मुझे अभी ना कोई लिखित शिकायत मिली है, ना मौखिक शिकायत भी नहीं मिली है। कल जैसे आप मुझे शिकायत मिली थी मैंने तुरंत को भेजा था, यदि इस प्रकार शिकायत आएगी तो मैं जरूर उसकी जाँच कराऊंगा।
अब आप समझें कि किस तरह से आम आदमी के हक को छीना जा रहा है। जिन अधिकारियों पर सरकार की योजनाओं के संचालन का जिम्मा है, जब वही अवैध कारोबार को बढ़ावा देने का काम करने लगेंगे, जांच के नाम पर खानापूर्ति करेंगे, तो प्रदेश की आम जनता का ना सिर्फ हक ही मारा जाएगा बल्कि भूखों मरने की भी नौबत आ सकती है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि नौकरशाह के ऐसे रवैये पर आपकी क्या सोच है।